जय श्री राम। परम प्रिय सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू ऋषिवर चैनल में पुनः स्वागत है। दक्षिण भारतीय परंपरा में महालक्ष्मी पूजा का मार्गशीर्ष महीने में बड़ा ही महत्व है और इसकी बड़ी ही सरल विधि है जो हमारे सभी माताएं बहने और भी परिवार की देवियां प्रसन्नता पूर्वक करके महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करती हैं। इस पूजा को हम स्वयं कैसे करें, स्वयं ही करना चाहिए, आप आचार्य पुरोहित को भी बुला के कर सकते हैं। इस पूजा की सारी विधि शिवलिंग को टच करके आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि इसकी डेट क्या है इस बार 2019 में, तो पहला जो गुरुवार अपने को प्राप्त हो रहा है 28 नवंबर 2019 को, उसके बाद में 5 दिसंबर, दूसरा 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को पूर्णिमा भी है जो बहुत ही कल्याणकारी है, उसके बाद में 19 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है, उसके बाद में 26 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है, उस दिन अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है, इसलिए उस दिन करना बहुत कठिन होगा। बंधुओं, इस बार हम लोगों का सौभाग्य है जो 5 गुरुवार अपने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें कई बार हमारी माताओं बहनों की अशुद्धि अवस्था हो जाती है तो एक गुरुवार उनका छूट जाता है, तो इसलिए 5वें गुरुवार रहने से सब लोगों की विधि आराम से संपन्न हो जाती है। 5वां गुरुवार 26 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है, पर 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ग्रहण प्रारंभ होगा प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा और उसके बाद में समापन हो जाएगा। हमें प्रातः से उठकर के व्रत के नियम का पालन करना है, तो जो बहने बाकी गुरुवार को प्रातः पूजा की है वो ग्रहण समापन होने के पश्चात स्नान त्याग करके पुनः जो है स्थापना करके पूजा कर सकती हैं, और जो बहने ऑफिस वगैरह जाती हैं, बहुत सारे दायित्व है नहीं कर पाती हैं, संध्या वेला में माता जी की पूजा करती हैं, वो अपने उसी विधि से पूजा करेंगे और उस दिन जो है समापन रहेगा। ये महालक्ष्मी जी का पूजा व्रत बहुत ही सरल है और आनंदकारी है। हम नित्य की तरह प्रातः उठते हैं गुरुवार के दिन, स्नान इत्यादि करके, और जैसे माता जी लाल पीला गुलाबी वस्त्र पसंद करती हैं ऐसे हमें करना चाहिए। अगर हम साड़ी इत्यादि पहने तो बहुत अच्छी बात है ट्रेडिशनल अपनी परंपरा में, नहीं जो भी आप धारण कर रहे हैं अपने व्यवस्था अनुसार, लेकिन हाँ कलरफुल वस्त्र धारण करना ज्यादा उत्तम है, स्वयं भी सजना चाहिए, माता ने अवसर दिया है स्वयं का भी श्रृंगार होना चाहिए। उसके बाद में अच्छी बात है कि दिन भर हम चाय है, दूध है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, बिना नमक का इस पर रहें, और संध्या वेला में पूजा करने के पश्चात में, मतलब दोबारा पूजा करने के पश्चात, आरती करने के पश्चात माता जी को नैवेद्य का भोग लगाएं, फिर गौ माता के लिए ग्रास निकाल के रख दें, उसके बाद आपस में प्रसाद वितरण करके हम जो है भोजन ग्रहण कर लें। पर जिनको शारीरिक कोई परेशानी है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो दिन में भी नमक ग्रहण कर सकते हैं, अन्न न लें। उसके बाद में संध्या वेला में फिर जो पूजा के पश्चात अन्न लेना चाहिए वैसा लेना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि घर में अगर 4-5 बहनें हैं छोटी बड़ी सब मिला करके, तो वहाँ एक ही कलश की स्थापना करें, एक साथ में हम रह रहे हैं तो व्रत सभी लोग रहें, पूजा सभी लोग रहें। इस व्रत के बीच में अगर हमारी अशुद्धि अवस्था आ जाती है बीच में कोई भी गुरुवार को, या उसके पहले बीच में अगर वो पड़ रहा है, तो हमें उसमें व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। घर में कोई और करने वाला है तो पूजा कर लिया, नहीं करने वाला है तो हमको पूजा पाठ से संबंधित कुछ भी नहीं करना चाहिए, फिर अगले गुरुवार को हम उसे आनंद पूर्वक करें। और इस बार तो हम लोगों का सौभाग्य जो 5 गुरुवार प्राप्त हो रहा है जिसमें सबको पूरा आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें प्रश्न ये भी आता है कि हम पूजा सुबह करना उत्तम है ज्यादा करना, क्योंकि हम महालक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, संभव तो प्रातः ही स्थापना पूजा कर करके जो हमने विधि बताई है, जो आपने नहीं देखा तो शिवलिंग को टच करके देख सकते हैं, पूरी उसमें विधि बताई है। और उसके बाद में अगर आप सुबह जल्दबाजी है काम काज में जाना है, संध्या वेला में भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। जिस कलश की हम स्थापना करते हैं वो कलश वो नारियल माँ का रूप होता है, कलश के अंदर का सुपारी, पैसा, नीचे बिछाने वाला कपड़ा, ऊपर ओढ़ाने वाली चुनरी, ये सब सामग्री जो है
पुनः जो है पूजा के पश्चात जैसे आम का पल्लो वगैरह दरवाजे पे लगा दिया अथवा विसर्जन कर दिया, जल पूरा घर में छिड़क दिया, उसका क्वाइन और जो है सुपारी रख दिया, बाकी जल को जो है साफ जगह हमने विसर्जित कर दिया, उसी नारियल को दोबारा हम प्रयोग में लेंगे, नीचे बिछाने वाला कपड़े को भी हम दोबारा प्रयोग में लेंगे, जो माता जी को चुनरी ओढ़ाए तो भी दोबारा प्रयोग में लेंगे, चाहे तो हर बार नया भी ले सकते हैं, पर अथवा गंदा हो गया तो धो करके प्रेस करके फिर से आपने प्रयोग में लिया। मेरा निवेदन है प्रयत्न कीजिए, जो पहला लाइए अच्छा लाइए और उसी को प्रयोग में लीजिए, अथवा जैसे आपकी श्रद्धा हो कहीं कोई कमी नहीं होगी, जितना हमारी सामर्थ्य श्रद्धा है उससे हमें करना चाहिए, माँ से ज्यादा हमको कौन जान सकता है, जो भी हमारी विशेष करके माता जी के चरणों में भावना होगी प्रार्थना होगी निश्चित सुनेंगे, हमें पूरा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप पूछिएगा, व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे उसका लिंक है, पर पूजा पाठ से संबंधित जितनी भी बातें हो सके बिल्कुल 99.9% वो आप यूट्यूब पर ही पूछिए, क्योंकि आप पूछेंगे हम मैं उत्तर दूंगा तो दो चार भाई बहनों को और भी लाभ प्राप्त होगा, कई बार उत्तर देने में विलंब हो सकता है पर जैसे भी अवसर मिलेगा मैं अवश्य उत्तर दूंगा। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले भोले, ओम राम मन बा बोले।